नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है रेखाज ब्लॉग लाइफ। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्क लेके चलती हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत पार्क है और बहुत ही यूनिक टाइप का है। इतना बड़ा डायमंड शेप का पार्क आपने कभी नहीं देखा होगा और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने छोटे शहर में इतना सुंदर पार्क हो सकता है। तो ये जमशेदपुर का पार्क है, टाटा नगर स्टेशन का नाम है और झारखंड स्टेट में आता है। तो चलिए देखते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इस पार्क की बहुत दिलचस्प कहानी है, इसलिए मैंने वीडियो को पार्ट टू पार्ट वन में किया है। पार्ट वन में आज दिखा रही हूँ और जिसको इसकी स्टोरी के बारे में जानना हो वो पार्ट टू ज़रूर देखे। लेकिन जब तक 300 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे और 1000 व्यूज़ नहीं होगा, पार्ट टू में नहीं दिखाऊंगी। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है कि ये डायमंड का पार्क क्यों बना और इतना खूबसूरत डायमंड शेप किसके लिए बना। तो आइए चलिए देखते हैं इस पार्क को। तो ये है पार्क का मेन गेट जिसपे की ऊपर नाम लिखा हुआ, ये देखिए इतना बड़ा डायमंड का शेप बना हुआ है। देखने में आपको दूर से पूरा लगेगा कि ये डायमंड ही है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और ये पूरे स्टील का बना हुआ है। इसके चारों तरफ का गार्डन देखिए इतना सुंदर मेंटेन किया हुआ है। इसी अक्टूबर में इसका उद्घाटन हुआ है। पहले ये पार्क मोदी पार्क के नाम से था और अभी इसको फिर से नए तरीके से बनाया गया है। इसका मेन अट्रैक्शन ही है ये बड़ा सा डायमंड। इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है, आप देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा स्टोरी सुनने में, जो कि पार्ट टू में मैं दिखाऊंगी। और जिसके लिए मैं बार बार बता रही हूँ कि सब्सक्राइबर्स 300 हो जाएं और व्यूअरशिप मेरा 1000 हो जाए तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। दिन का टाइम है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये किन्नन स्टेडियम के सामने पड़ता है, शहर के बीचों बीच पड़ता है। इसको देखने के लिए आपको शहर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे लोकेशन में है ये। देखिए कितना साफ सुथरा है। पब्लिक के लिए अभी बंद है कोरोना टाइम के चलते, जब भी खुलेगा पब्लिक वेट कर रही है यहाँ की कि कब खुले और हम लोग नज़दीक से जाके देखें इसको। फिनिशिंग बहुत अच्छी है, रात में भी ये बहुत सुंदर लगता है। रात की लाइटिंग भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि रात का भी वीडियो मेरे पास है। और दिन में आप देख ही रहे हैं गेट बहुत सुंदर है और गेट से सीधे आपको ये डायमंड शेप दिख रहा होगा। इतना बड़ा नगीना बनाने में कितना सुंदर लग रहा है ये, बहुत टाइम लगा होगा, पूरा स्टील का बना है। और ये देखिए रात का सीन, कलर चेंज होता है इस डायमंड का, कभी बैगनी, कभी पिंक, कभी ग्रीन, रात का भी अलग ही है। दूर से इतना सुंदर लग रहा है तो सोचिए नज़दीक देखने से कैसा लगेगा। जो भी टाटा नगर जाए ये गार्डन ज़रूर देखे, इतने छोटे शहर में इतना सुंदर गार्डन शायद ही आपने कहीं देखा होगा। बड़े शहरों में तो बहुत कुछ अच्छे दिखते हैं लेकिन छोटे छोटे शहरों में ये सब चीज़ देखने लायक कम ही मिलती है। और बिल्कुल नया है और ये टाटा स्टील के तरफ से मेंटेन किया हुआ है। वैसे तो पूरा शहर ही टाटा स्टील का है, जमशेदपुर स्टेशन का नाम टाटा नगर जंक्शन, ये बॉम्बे हावड़ा रूट पर पड़ता है ये शहर। छोटा सा शहर है, पुराना शहर है लेकिन बहुत स्मार्ट सिटी है, बहुत ही साफ सफाई वाला है, बहुत स्वच्छ शहर के नाम में जाना जाता है ये। वेल प्लान्ड है, टाटा स्टील का शहर बसाया हुआ है। और यहाँ और भी बहुत सुंदर सुंदर जगह चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, यदि सब्सक्राइबर्स व्यूअरशिप मेरे हिसाब से हो गए। देखिए ये डायमंड का नगीना कितना खूबसूरत लग रहा है ग्रीन कलर में। गार्डन बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिया में इस गार्डन को बनाया गया है। तो हमारे ख्याल से ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही दिलचस्प कहानी है नगीने के पीछे जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद।